माँ काली के कई रूप हैं। उन सभी रूपों की पूजा भारत के कई मंदिरों में होती है, लेकिन माँ काली के इस रूप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्हें सरकटी काली कहा जाता है। माता के इस रूप में उनका सर कटा हुआ है और उनके गर्दन से लहू की धाराएं निकल रही है। माता का ये रूप इतना डरावना दिखता है जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में मौजूद उस मंदिर के बारे में जहां सरकटी काली माँ की पूजा होती है। कहते हैं यहीं पर उन्होंने अपना सर काटा था और यहीं पर उनका आखिरी विश्राम स्थान भी था। भारत असामान्य संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। बात अगर भारत के मंदिरों की करें तो यहाँ मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। हर मंदिर अपने आप में अनूठा है। झारखंड की राजधानी रांची से करीबन 80 किलोमीटर दूरी पर राजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी की पूजा होती है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि ये मंदिर करीबन 6000 साल पुराना है। यहाँ देवी को प्रेम के देवता कामदेव और प्रेम की देवी रति पर खड़ी नग्न देवी के रूप में दिखाया गया है। ये मंदिर अपने तांत्रिक शैली की वास्तुकला के लिए भी बहुत मशहूर है। जब भी कोई श्रद्धालु इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए आता है तो माता के इस रूप को देखकर मन में सवाल उठता है कि देवी माँ ने अपने कटे हुए सिर को हाथ में क्यों उठाया हुआ है, आखिर उन्होंने अपना सर क्यों काट लिया है। ये सारे सवाल लोगों के मन में उठते हैं। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवी माँ अपनी सहेलियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गई। कुछ समय वहाँ रुकने के कारण उनकी दोनों सहेलियाँ भूख से व्याकुल हो उठी। दोनों सहेलियों की भूख इतनी तेज थी कि दोनों का रंग तक काला पड़ गया। वो माँ से भोजन की मांग करने लगी। माँ ने उनसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन वो भूख से तड़प रही थी। माता ने अपनी सहेलियों का ये हाल देखकर अपना ही सिर काट लिया। जब उन्होंने अपना सिर काटा तो उनका सिर उनके बाएं हाथ में आकर गिर गया। उसमें से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को तो देवी माँ ने सहेलियों की तरफ कर दिया और बची हुई धारा से खुद रक्त पीने लगी। माता के इसी रूप की पूजा इस मंदिर में होती है। छिन्नमस्तिका मंदिर के भीतर देवी छिन्नमस्तिका की मूर्ति बहुत ही अद्भुत है। उनकी प्रतिमा कमल के फूल पर स्थापित है। उनकी 3 आंखें हैं। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में देवी अपना ही कटा हुआ सर पकड़े हुई है। देवी के पैरों के नीचे विपरीत मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में विराजे हैं। देवी माँ के बाल खुले और बिखरे हैं। उन्होंने सर्पमाला और मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माता आभूषणों से सजी हुई नग्न अवस्था में अपने दिव्य और विशाल रूप में यहाँ पर विराजित है। छिन्नमस्तिका देवी की पूजा खास तौर से शत्रुओं पर जीत प्राप्त करने के लिए की जाती है। माँ का ये रूप बहुत ही उग्र है, इसीलिए तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी इनकी पूजा करने की परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के जरिए भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। राजरप्पा में यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर और हैं। माँ के इस मंदिर को प्रचंड चंडिकी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान को माता का अंतिम विश्राम स्थल भी माना गया है। यहाँ पर आपको 10 महाविद्या के मंदिर भी दिख जाएंगे। इन मंदिरों में ताड़ा, षोड़शी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, कमला, मातंगी और घुमावती विराजमान है। छिन्नमस्तिका माता का यह रूप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। छिन्नमस्तिका माता जी का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। दिशाएं ही इनके वस्त्र है। इनकी नाभि में योनि चक्र है। तम और रज गुणों की देवियां इनकी सहचारिणी है। ये अपना शीश काट कर भी जीवित है।
ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। योग शास्त्रों में तीन ग्रंथियां बताई गई है जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्ति होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि है, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि है तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन तीनों ग्रंथियों के भेदन से ही अदित्य आनंद व पूर्णानंद में मुक्ति की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल स्थान है, उसी पर छिन्नमस्तिका महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रभाव होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। वैसे तो आपको सरकटी काली माता के कई मंदिर भारत में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन राजरप्पा में विराजमान छिन्नमस्तिका माता का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है। एक बार आप सभी को माता के इस मंदिर के दर्शन करना ही चाहिए। यहाँ तक आने का पूरा पता हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।